कितने सारे लड़के ऐसे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि सच में पूरा जीवन बीत जाएगा, ब्रह्मचर्य ही नहीं कोई भी डाइट प्लान कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी खा पी लूँ, स्वप्न दोष से छुटकारा नहीं मिल सकता, है ना मेरे दोस्त। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आता है, बहुत सारे लोगों का मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज भी आता है, बहुत सारे लोगों से मेरा फ़ोन कॉल पे डायरेक्ट बात भी हो जाता है, जहाँ लोगों का ये मानना होता है कि हम लड़के जहाँ वीर रक्षा करने पे तुले हुए हैं, रात में 3:30 बजे उठकर योगासन, कपाल भात, रनिंग जैसे नियम का पालन कर रहे हैं, दिनेश भाई जो आप कह रहे हो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमको स्वप्न दोष से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, हम एकदम निराश हो चुके हैं। तो आइए मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज़, एक ऐसा इलाज, एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक देगा। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लो कि आप रूटीन वाइज खा पी क्या चीज़ रहे हो, सबसे बड़ी बात है। देखो, मैंने अपने कई सारी वीडियो में बताया, अगर आप ब्रह्मचर्य नियम का पालन कर रहे हो तो तामसिक आहार आपको नहीं लेना, यानी कि मीट, मछली, अंडा, चाउमीन, चाट, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, ऐसी तली बनी हुई चीज़ें कुछ भी नहीं खाना। नॉर्मली हरी सब्जियाँ, दूध, दही खाना है, घी तक आपको नहीं खाना है, चावल बहुत कम मात्रा में, चाय तो बिल्कुल नहीं पीना है। अभी चाय के बारे में एक सच्चाई बताऊंगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हर कोई ये कहता है कि चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि चाय पीने के कितने बड़े नुकसान होते हैं? हड्डियां गलाती है ये मेरे दोस्त, यकीन नहीं करोगे, चाय हड्डियां गलाती है। तो क्या आप चाहोगे कि आपका हड्डी गले? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हड्डी स्ट्रांग और मजबूत रहे, तो आज और अभी से इस वीडियो को देखने के बाद चाय को हाथ ही मत लगाना, सच बता रहा हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्त, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, स्वप्न दोष। आप ब्रह्मचर्य नियम पालन कर रहे हो, कितने दिन से कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, आपका मोटिव क्या है, खा पी क्या रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ फोकस करना है। अगर आप यहाँ पे फोकस कर लिए तो ऑटोमेटिक आपका स्वप्न दोष धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब रही बात, सब कुछ फोकस कर रहे हो उसके बाद भी नहीं बंद हो रहा, तो मैं आपको एक चीज़, बहुत बेहतरीन चीज़ बताऊँगा, इस चीज़ को फॉलो करके ज़रूर रखना। आप जब भी रात में सोने जाओ, खाना खाए, बहुत हल्का भोजन करना है, बहुत ही हल्का भोजन करना है। खाना खा के आप बिस्तर पे गए, आंखें बंद करना है, आपको इस तरीके से पलथी मार के बैठना है, उसके बाद 20 मिनट तक मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है आपको। मैंने कई सारी वीडियो में बताया दोस्त, मेडिटेशन एक ऐसी चीज, ऐसी क्रिया है मेरे दोस्त, कोई भी इंसान पूरी रात जगा रहे, मैं चैलेंज और दावे से कह सकता हूं, पूरी रात झपकियां तक ना कोई भी इंसान लिया हो और आधे घंटे तक मेडिटेशन अगर वो कर ले तो समझ लो 3 से 4 घंटा उसने सो लिया, अपनी नींद को पूरा कर लिया। ये पावर होता है मेडिटेशन में। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ एक मजाक चीज है, कुछ नहीं है। रनिंग के बारे में मैं बहुत बताता हूं मेरे दोस्त कि आपको रनिंग करना चाहिए। रनिंग एक ऐसी स्टेमिना बूस्टर है जो मार्केट में कोई दवा नहीं कर सकती, जो स्टेमिना बूस्ट आपका रनिंग कर सकता है, सच बता रहा हूं। डाइट उतना काम नहीं करेगा जितना आप रनिंग करके कर सकते हो। योग के बारे में बताया जाता है, योग करने से इतने सारे फुर्ती आएंगी, ऐसी ऐसी एनर्जी आपके अंदर आएंगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये सारी एनर्जी हमको मिल रही है। आप करके देख लेना, जो भी लोग 60 दिन 70 दिन 80 दिन ब्रह्मचर्य नियम को पालन कर रहे हैं उनको पता होगा, उन्होंने बेनिफिट ले भी लिया होगा। और दोस्त कहने की बात नहीं है, ये बंदा खुद जो आपके सामने खड़ा है आपको बता रहा है ना, ये खुद वो सारी ऊर्जा को पा रहा है जिस ऊर्जा के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, अभी सच बता रहा हूँ। बोलने की क्षमता, सोचने की क्षमता, माइंड ग्रोथ, पेट का हाजमा, सब कुछ इतना परफेक्ट होगा मेरे दोस्त कि कुछ भी खा पी लोगे तो हजम हो जाएगा। पूरी पूरी 2-2 रात में सो नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे भी इवेंट्स में जाना होता है। ऐसा नहीं कि आप ही लोगों का सिर्फ यारी दोस्ती है, मुझे भी इवेंट्स में जाना पड़ता है, जगना भी पड़ जाता है। मैं क्या करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ये बहुत बड़ा फार्मूला है। अगर सब कुछ करने के बाद भी आपका सवाल हो रहा है कि फिर भी दिनेश भाई ये भी हमने कर लिया उसके बाद भी स्वप्न दोष नहीं बंद हो रहा है, तो मैं आपसे सीधा एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, आप गर्मियों के दिनों में सिर्फ और सिर्फ जूस पिया करो, सुबह में केला या सेब खाया करो। केला खाने का मुख्य टाइम होता है 8 से 11 बजे तक, सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए। केला सबसे परफेक्ट टाइम सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में आप केला खा सकते हो, शाम को भी नहीं खाना चाहिए। मैंने अपने कई सारी वीडियो में बताया है, फिलहाल इतना नुकसान नहीं करेगा, खा सकते हो, लेकिन मुख्य टाइम जो होता है केले खाने का
वो 8 से 11 बजे तक का होता है। आप इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो कर लेते हो मेरे दोस्त, तो आप देख लेना, सच्चाई बता रहा हूँ, आपके स्वप्न दोष में जरूर से जरूर सुधार हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्त, कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स मेरे पास आ रहा था, दिनेश भाई स्वप्न दोष पे एक परफेक्ट वीडियो बनाओ। अगर उससे भी नहीं हो जाता तो मार्केट में एक आता है धात पौष्टिक चूर्ण, उसको भी एक बार ट्राई कर लेना। उससे भी नहीं ठीक होता है तो गोंद कतीरा ट्राई कर लेना। उससे भी नहीं ठीक होता है तो अश्वगंधा पाउडर, सिर्फ और सिर्फ अश्वगंधा पाउडर पानी के साथ रात में सोते समय और सुबह खाली पेट यूज कर लेना। ये सारे फार्मूले करके देखना। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोगों का कमेंट जैसे आता है, मेरा शोध फिर से जारी होगा स्वप्न दोष पे। मैं तत्कालीन एक बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। चलते हैं दोस्त, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँगा जरूर आप लोगों के बीच में। चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो पर लाइक करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय।